हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। और मेरा हालत कुछ ऐसा है, पागल की तरह हूँ क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा रश में हूँ। सुबह जैसे कि थोड़ा मूड ऑफ था विहान को लेके, आप सभी लोग अभी तक जान चुके होंगे। तो वो मैं दी के घर में गई थी और दी के घर में जाके विहान के साथ बहुत ज़्यादा खेल के मैं आई हूँ। तो अभी मैं मेरा माइंड पूरा रिफ्रेश हो गया है, क्योंकि मेरा ऐसा भी था कि मैं परफॉर्म नहीं करने वाली थी। माइंड कुछ ऐसा सेटअप हो गया था मेरा विहान का हालत देख के, तो सभी लोग ने अंडरस्टैंड किया था कि ठीक है, अगर कुछ बुरा होता है तो आप तुमको नहीं देना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था, बट अभी विहान बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत दर्द तो है बट बिल्कुल ठीक है। विहान ने कहा तुम अगर परफॉर्म करोगे तो भी तो ही हम लोग जाएंगे, तो ठीक है, विहान के लिए तो इतना बनता है। तो मैं परफॉर्म करने जाऊंगी, थोड़ा स्टेज परफॉर्मेंस करके भी मैं आई हूँ, थोड़ा रिहर्सल दे के ताकि स्टेज कैसा है मैं देख लूँ एक बार। वो हो गया है, अभी स्टेज का पूरा काम हो गया है, लाइट सेटिंग हो गई है एंड अभी साउंड सिस्टम आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम से एक व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, तो अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं दो व्लॉग शूट करूँगी एंड मेरा परफॉर्मेंस का एक अलग से शूट करूँगी। तो तीन वीडियो शायद इस प्रोग्राम में जाएगा, इस प्रोग्राम के ऊपर जाएगा, बट देखते हैं क्या होता है। अभी प्रिपरेशन जो है उससे भी एक व्लॉग में बनाती हूँ, ताकि चाहती हूँ कि पूरा चीज़ जो है सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँ एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो मेरे प्रोग्राम वाले व्लॉग को, तो इस चीज़ को क्यों मिस किया जाए। एंड चलिए, बहुत ज़्यादा गाना हो रहा है तो वो शायद मैं म्यूट कर दूँगी एंड उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए, तो ये है हम लोगों का स्टेज, कुछ व्हाइट एंड गोल्डन थीम पे हम लोगों ने किया है, क्योंकि रात में लाइटिंग के वजह से ये बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे लाइट सेटिंग भी हो गया है और अभी साउंड सिस्टम की बारी है। यहाँ पे हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे थे और यहाँ पे सब लोग है। इसके साथ मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाई है, ये है पीयू, रियादी के साथ हो गया था। ये है टुशी बोदी की सोन है एंड ये है टुम्पा दी, ये है प्रिया। आज तुमने नया ड्रेस पहना है, आज दिखा दो। और वहाँ पे है प्रिया की सासुमा, तो सब लोग है यहाँ पे। तो काम ऑलमोस्ट डन है और हम लोगों को सिर्फ बेलून्स लगाना बाकी है, दैट्स इट। और जो भी लास्ट कुछ काम बाकी है वो सब करना है, दैट्स इट। तो चलिए, इस ब्लॉग को आप लोग एंजॉय कीजिए, हम लोग भी एंजॉय करते हैं। एंड दिस इज आवर बैनर, अभी हो रहा है डांस परफॉर्मेंस, मतलब स्टेज परफॉर्मेंस रिया दी। चलो, अभी मैं आ गई हूँ घर में। अभी बज रहा है 3 दोपहर के, अभी तक नहाया नहीं है, तो अभी जाएंगे नहाने और शैम्पू वगैरह सब कुछ करना है। ड्रेस वगैरह कुछ मैंने नहीं अभी तक सेट किया है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रेड कलर की साड़ी पहनेंगे, तो रेड कलर की साड़ी ऑलमोस्ट ढाकाई के ऊपर ही जाना चाहेंगे, बट मेरा वो पता नहीं वो ढाकाई नहीं है है या नहीं, बट वो मैंने सेलेक्ट किया है। और डांस के लिए भी जो साड़ी है वो भी निकालना है, ब्लाउज वगैरह और जो भी सजने का जो सामान सब कुछ बाहर निकल के रखना है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ रहना नहीं है, मतलब करना नहीं है, ताकि यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है ऐसा कुछ करना है। एंड एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा सा फेस पैक भी लगाना है, क्योंकि फेस बहुत ही डल डल सा लग रहा है, और तो उतना ज़्यादा नहीं, बट फेस पैक लगाऊंगी तो थोड़ा और ज़्यादा निखर के आएगा आई गेस।
एक दिन से तो कुछ नहीं होता, मैं स्क्रब भी करूँगी, शैम्पू भी करूँगी, बहुत कुछ काम है, नेल पॉलिश भी नहीं लगाई है अभी तक, और ये बंगाली में तोड़ी लिखा है बोट, वो लिखा है जो हम लोगों का बैनर में लिखा है, हम लोगों का कॉमेडी का जो नाम है वो। एंड उसके बाद खाना वाना खा के बलून्स लगाने जाएंगे, तो दिखाती हूँ धीरे धीरे जो भी कुछ होता है। अभी जाते हैं नहाने, और नहाने के बाद डायरेक्टली आप लोगों से मिलते हैं। सो नहाना हो गया है और अभी सोच रही हूँ, मैंने स्क्रब कर लिया है, थोड़ा लाइट की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है, सोच रही हूँ कि मास्क यूज़ कर लूँ। तो ये ममार्थ का ओपटन फेस मास्क है, मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा है ये। इस विंटर सीजन में एक दिन भी मैंने मास्क नहीं लगाया, देखिए ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और एक मेरे पास है, ये ड्राई हो गया है, बहुत दिन हो गया है, और एक बॉटल है मेरे पास, ख़त्म भी हो गया है। दिस इज द न्यू वन, तो ये मैं लगाऊंगी। ये थोड़ा इम्प्रूव करके आया है, लास्ट वाला से वो थोड़ा येलिश था और ये थोड़ा सैंडल का कलर जैसा है। क्या चल रहा है अभी? फिर अभी मैं साड़ी डिसाइड कर रही हूँ, डिसाइड नहीं, डिसाइडेड तो है ही, बट अंदर से निकाल रही हूँ, अंदर से निकाल रही हूँ। हाँ जी, ये साड़ी मुझे पहननी है अभी के लिए, दिखाना है, हम लोगों ने डिसाइड किया था। एक बार दिखाना कैमरे में अच्छे से, ये साड़ी बढ़िया है। हाँ, लक्ष्मी पूजा के दिन मैंने ये साड़ी पहनी थी पहली बार, और आज मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ। तो ये साड़ी मैं पहनूंगी विद ग्रीन ब्लाउज, मैं पहनूंगी गोल्डन कलर का ब्लाउज है, बट वो स्लीवलेस है एंड पूरा रात रहना पड़ेगा, तो मैं इस वाले ब्लाउज के साथ आज ये साड़ी पहनूंगी, बहुत ही अच्छा लगेगा आई गेस। एंड पेटीकोट चाहिए, राइट, पेटीकोट बाहरी है, एंड मुझे और एक रेड साड़ी चाहिए अपने। मैं सोच रही थी कि ग्रीन कलर या फिर रेड कलर साड़ी पहनूं मेरी डांस परफॉर्मेंस के लिए, बट ग्रीन कलर की एज सच वैसा वाला कुछ साड़ी नहीं है जिसका बॉर्डर भी रहे, वैसा वाला साड़ी नहीं है, ग्रीन कलर की साड़ी है बट एग्जैक्ट वो वाला नहीं है, तो इसीलिए मुझे रेड ही फिर से पहनना पड़ेगा। एंड मैं ग्रीन कलर की ब्लाउज पहनूंगी उसमें भी, तो वो ब्लाउज कहाँ पे है, हाँ, तो मैं ये वाला ब्लाउज पहनूंगी आई गेस, बहुत ही अच्छा लगेगा, ये वाला ब्लाउज पहनूंगी, ये मेरी शादी की ब्लाउज है और ये ब्लाउज मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ और इसको मैं और भी ज्यादा पहनूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ब्लाउज। तो ये साड़ी तो इसके साथ फिक्स है, तो मैंने पेटीकोट भी निकाल लिया है, और मैं पहनूंगी ये वाली रेड कलर की ये साड़ी डांस में, क्योंकि इसमें बॉर्डर है, बॉर्डर बहुत मतलब बॉर्डर अगर रहता है तो मराठी साड़ी में अच्छा लगता है दिखना। एंड मैं सोच रही थी ग्रीन कलर, बट ग्रीन कलर की ऐसी कोई साड़ी नहीं है, और मैंने यूट्यूब में देखा तो है मराठी साड़ी कैसे ड्रेप किया जाता है, बट मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो बॉबी दीदी दोनों ही आएंगे तो इसीलिए, और इसके साथ मुझे लेगिंग्स पहननी है या फिर जीन्स, मैं देख लूंगी कौन सा, लेगिंग्स पहनने से भी हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ कि ग्रीन कलर की चूड़ी पहनूं, एंड मराठी में ग्रीन कलर की कांच की चूड़ी बहुत पहनते हैं, तो मेरे पास है ऑलरेडी बहुत सारा, तो इसलिए सोच रही हूँ कि ग्रीन कलर की कांच की चूड़ी पहनूं मैं।
और लास्ट टाइम ना मैंने एक नेल पेंट किया था खुद से ही, तो एक कमेंट आया था दिखाने के लिए, बट वो उतना ज़्यादा तो अच्छा नहीं है, तो मतलब पेंट का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो एक हफ्ते में मेरा उठ जाता है, तो दिखा नहीं पा रही थी। तो ये मैंने सेकंड कुछ आज ही कुछ जल्दी से किया है, यहाँ पे ग्लिटर दिया है, दो टाइप का ग्लिटर दिया है, यूज़ किया है, और यहाँ पे एक न्यूट कलर का, पिंकिश न्यूट कलर का एक नेल पेंट के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा ग्लिटर का टच मैंने पूरे उंगली पे दिया है, इस हाथ में अभी तक नहीं लगाई है, वो लगाऊंगी। गाइस, सो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने कुछ ऐसा ये ब्लाउज मैंने कुछ दिन पहले ही लिया था, और ये साड़ी मैंने पहन लिया, और थोड़ा सा मेकअप मैंने किया, मतलब विदाउट फाउंडेशन विदाउट कंसीलर मैंने किया है, तो कुछ ऐसा लुक मैंने क्रिएट किया है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि बाहर बहुत थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट के में जो भी है उन लोगों को बहुत थोड़ा बहुत काम रहता ही है, इसीलिए। और मैं हस्बैंड को दिखाती हूँ मैं कैसे रेडी हुई हूँ, और ये तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं जब डांस के लिए रेडी होंगी उसके लिए भी चेंज करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसे मैंने अपना लुक क्रिएट किया है। सो दैट्स इट, तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम में, और वहाँ पे जाके देखते हैं। ऑलरेडी 6:15 हो गया है, अभी तक प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, 6 बजे से, मतलब 6 से 6:30 में हम लोग ने मतलब ऐसा रखा है कि 6 से 6:30 बजे से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम का लिस्ट बहुत बड़ा हो गया है अभी, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कितना हुआ है नहीं हुआ है, लेट्स गो। तो ये फन गेम चीट जो है वो मेरे पास है, एंड हेडफोन राउंड होगा, वो हेडफोन लेके जाऊंगी। एंकर जो है वो अभी तक रेडी नहीं हुई है, तो वही है, तो हम दोनों रेडी हो गए हैं, तो मैं और एक जो है पायल, उनको मैंने नहीं दिखाया अभी तक, वो नहीं था जब तक जब मैं कैमरा कर रही थी, तो हम लोग जाके पूरा रेडी करके आए हैं, क्या क्या गेम है, प्राइस वगैरह सब कुछ हम लोग सजा के आए हैं, मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद में क्या क्या मैंने किया है, क्या क्या हम लोगों ने किया है वो सेट करना, और बाकी सिर्फ 2 जन अगर रेडी हो जाए अभी तो हम लोग शुरू कर सकते हैं, कि 7 बजने वाले हैं और हम लोग 7 बजे से लेट नहीं करना चाहते, वरना बहुत लेट हो जाएगा, बहुत बच्चों का मतलब परफॉर्मेंस है, वो लोग भी लेट हो जाएंगे, सो दैट्स इट फॉर द बेस्ट, एंड चलिए लेट्स गो। मैं लेके जाती हूँ, वो भी रेडी हो गए हैं, और दी लोग भी आने वाले हैं, दी को मैं एक बार फ़ोन कर लेती हूँ कब आने वाले हैं वो लोग। ओके, सो प्रोग्राम में जाके मिलता है। और एक बात बोलती हूँ, ये वीडियो अगर बहुत लॉन्ग हो जाता है तो मैं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऐसे करके मैं दूंगी, ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड आउट्रो शायद नहीं रहेगा ऐसा, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। প্রোগ্রামটা শুরু করবো, তিনি যারা মঞ্চে আসেন তাকে অনুরোধ করছি